दिस न्यूज इज ब्रॉट बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर गलत मैसेज करने के मामले तो आए दिन पुलिस में दर्ज होते हैं, लेकिन इस मर्तबा शातिरों ने नाटी किंग कुलदीप शर्मा के नाम से फेक फेसबुक आईडी बना दी है और उनके नाम से गलत मैसेज भेजे जा रहे हैं। नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण दूरभाष पर ही एसपी नाहन को इस बारे में शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से नाटी किंग ने कहा कि आज वे यह जानकर बेहद दुखी हैं कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुलदीप शर्मा ने अपने समस्त प्रशंसकों से फेक फेसबुक आईडी से भेजे गए मैसेज पर माफी मांगते हुए कहा है कि फेसबुक पर उनका कोई भी अकाउंट नहीं है, उनका मात्र एक ही पेज है जिस पर 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी उनका एक ही अकाउंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बहुत दुखी हूं क्योंकि ये तो बहुत समय से हो रहा था कि मेरे पेज भी फेक बना रखा, जो मेरा नाटी किंग कुलदीप शर्मा के नाम से जो मेरा पेज है ओरिजिनल, वो भी फेक है और फेसबुक में चलाता ही नहीं हूँ क्योंकि फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है। फेसबुक पे मेरे बहुत से फेक अकाउंट बनाए हैं और इंस्टाग्राम पे भी मेरा सिर्फ एक अकाउंट है, जो कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं पेज चलाऊं या अपना फेसबुक चलाऊं या अपना इंस्टाग्राम चलाऊं। वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो उस पेज को चलाती है और मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत से फेक पेज बना रखे हैं। तो मैं अपने फैंस से यही कहना चाहूंगा कि मेरी कोई भी फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है और इंस्टाग्राम पे मेरा एक ओरिजिनल अकाउंट है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा अकाउंट है। तो हुआ ऐसा कि आज मुझे एक फोन आता है, मेरा छोटा भाई है पंकज शर्मा, जो कि एक बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा वो भाई हमारा गाता है। तो उसने मुझे सुबह फोन किया कि कुदी भाई, आपके फेसबुक अकाउंट से बड़े गलत गलत मैसेज किसी के लिए किए जा रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ और फिर मैंने पंकज को कहा कि मुझे उस अकाउंट को मुझे आप व्हाट्सअप करो, और मुझे फिर पंकज ने वो व्हाट्सअप किया और मैंने वो फिर सीधा मेरे मित्र है एसपी नाहन श्री अजय कृष्ण शर्मा जी, जो कि मुझे हमेशा बड़ा सपोर्ट करते हैं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं, तो मैंने उनको रिपोर्ट कर दी है। वो अपना जो फेक अकाउंट था वो मुझे मैंने उनको भेजा, तो वो अब कार्रवाई हो रही है क्योंकि अब मैंने पीछे भी ये डेढ़ दो साल पहले भी इस तरह का मैंने उस समय मैंने शिमला बालूगंज थाने में कंप्लेंट की थी। उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए वो जो शरारती तत्व थे वो कुछ टाइम के लिए रुके, और अभी 4-5 महीने पहले भी मैंने एक कंप्लेंट की थी। मेरा और बाबा रघुवंशी का एक बड़ा अजीब सा नाम रख के दोनों भाइयों का वो थे, वो दो तीन लड़के, उन्होंने वो हम लोगों को थोड़ा सा बदनाम करने के लिए एक अजीब सा वीडियो चढ़ा दिया। तो बड़ा दुख होता है कि इस तरह के फेक अकाउंट बना के माताओं को, बहनों को या भाइयों को बड़े अजीब अजीब से मैसेज किए जाते हैं। तो एक मेरी कलाकारा है मंडी से, उसको भी पीछे क्या हुआ कि एक मैसेज किया कि मैं कुलदीप शर्मा बोल रहा हूं और आप वहां अपना कुल्लू में एक जगह है, वहां प्रोग्राम है, तो वहां आपने आ जाना। तो वो शुक्र है कि उस कलाकारा ने मुझे फोन किया कि कुलदीप जी, आपका कोई कुल्लू में प्रोग्राम है, आप मुझे प्रोग्राम के लिए बुला रहे हैं। अगर वो मुझे फोन ना करती, अगर सीधी प्रोग्राम में आती तो वो उसको दिक्कत हो जाती। तो मैं यही चाहता हूं कि जितने भी मेरे फैंस हैं, हिमाचल में है चाहे हिमाचल से बाहर है, प्लीज प्लीज आप लोग फेक फेसबुक पे जो भी आपको मैसेज करता है, फेसबुक पे तो मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है और मेरा एक नाटी किंग कुलदीप शर्मा के नाम से पेज है, वो भी ओरिजिनल पेज है। उसमें 93,000 के करीब, मैंने पहले जैसे कहा कि 94,000 के करीब मेरे लाइक्स हैं उसमें और 1.25 लाख के करीब मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो मेरा ओरिजिनल पेज है। बाकी सब जितने भी पेज आपको जो दिखेंगे, जिसमें कि कईयों में 3,000 लाइक होंगे, कईयों में 5,000 फॉलोअर्स होंगे, वो सब फेक अकाउंट है। मैं क्षमा चाहता हूं उन मेरे फैंस से जिनको मेरी वजह से, मेरे फेक अकाउंट से जिनको मैसेज किए, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों का दिल दुखा, कि आप लोगों को गलत गलत मैसेज किए। भैया मैंने वो मैसेज नहीं किए क्योंकि मैं फेसबुक तो चलाता ही नहीं हूं। ये कलाकारों को बदनाम करने की कुछ लोगों की साजिश होती है, वो होता ही है। तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मेरा कोई भी
फेसबुक पे कोई भी अकाउंट नहीं, और वाकई दिल से मैं बहुत दुखी हूँ आज। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डहर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल ग्रूम्स मेकअप के साथ साथ हेयर कट ट्रिमिंग शेविंग हेयर स्पा फेशियल वैक्सिंग ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।